दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी एक स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसके जरिए हम आसानी से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, आसानी से एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर सकते हैं और अच्छी तरह से एक शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। कौन से क्राइटेरियाज है, किस तरह से ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है और फिर उसमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको हमारे चैनल का मेंबर बनना है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे हम इस तरह के स्टॉक प्रोवाइड करते हैं जो जनरली ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे तो 5 से 6 महीने के हिसाब से रहते हैं, जिसमें अराउंड 50% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं और पहला टारगेट आने के बाद हम रिमेनिंग क्वांटिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते रहते हैं, जहां पे हमें हायर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इस तरह के स्टॉक हम प्रोवाइड कर दे तो डेफिनेटली वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी फायदा ले सकते हो। और जो भी स्टॉक्स हम हमारे चैनल के मेंबर्स के साथ डिस्कस करते रहते हैं उसमें आगे जाकर किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, वो भी हम हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट थ्रू हर रात 10 बजे शेयर करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं उसके लिए हमने जो भी डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल किया है वो है एडलवाइस का TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल। दोस्तों, अगर आपको एडलवाइस में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, एडलवाइस का जो TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है किस तरह से यूज करना है उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू यूज एडलवाइस TX3 डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल। तो दोस्तों, एडलवाइस का जो TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है हमें बहुत सारे स्कैनर भी प्रोवाइड करके देता है, तो उससे भी हम आसानी से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक स्कैनर की, यानी कि स्कैनर जो रहता है उसके हिसाब से आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे हमने अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं, उसमें हम स्कैनर का इस्तेमाल करके आसानी से स्टॉक सिलेक्शन कर उसमें किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली वहां पे एक वॉल्यूम बजर का स्कैनर हमें मिलता है, तो वो स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद हमें मल्टीपल स्टॉक्स दिखे थे, उसमें से ये स्टॉक का चार्ट मुझे अच्छा खासा दिखा, इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी एनालिसिस कर लिया जाए, उसी के साथ आपको स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते वो भी बताया जाए। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए, उसमें आसानी से किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो पहले आपको बता दूं, स्टॉक का हमने जो भी यहाँ पे चार्ट ओपन किया उसका नाम है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि यही स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है और उसमें स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो जब भी हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी होती है, तो इस तरह के स्टॉक अगर हम ढूंढते हैं जो कि अप ट्रेंड में है, तो ये हमारा एक पहला बेनिफिट रहता है ट्रेंड फॉलोइंग का। क्योंकि अगर बेसिक स्टॉक का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड रहेगा तो वही ट्रेंड को फॉलो करते करते ही ऊपर जाता रहेगा जब तक उसमें ट्रेंड चेंज ना बन जाए। तो ये एक पहला बेनिफिट हमें मिल जाता है कि ऑलरेडी अप ट्रेंड का मोमेंटम इसमें है, तो ऑलरेडी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि एक राइट लेवल पे एंट्री करके जो उसका मोमेंटम चल रहा है उसको पकड़ना है और वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो ये पहला रीजन हो गया कि ऑलरेडी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, इसका अगर हम इस तरह से ट्रेंड देखते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस तरह से स्टॉक एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रेड कर रहा था, राइट। ये रेक्टेंगल के अंदर साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस तरह के साइडवेज में भी हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उतना हमें रिटर्न नहीं मिलता, मोमेंटम नहीं मिलता। जब भी शॉर्ट टर्म के चार्ट पे फिर से हमें अपसाइड का कोई इंडिकेशन मिलता है और वहां पे हम स्विंग ट्रेड लेते हैं तो कम से कम टाइम में मोमेंटम के साथ स्टॉक में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा था, यानी साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन फाइनली ये रेंज को ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाने लगा। तो हमें यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन मिल गया, पहला तो क्राइटेरिया हमारा ये अप ट्रेंड का सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये स्टॉक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हर एक स्टॉक ही इसी तरह से बिहेव करेगा, इस तरह से नहीं होता। दोस्तों, अलग अलग स्टॉक के चार्ट अलग अलग प्रिपेयर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बना है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, राइट। और यहाँ पे हम थोड़ा बैक टेस्ट करके देख रहे हैं कि स्विंग के लिए हमें किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करके किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पहले तो स्टॉक अपट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए
और अब 10 के बाद कुछ क्राइटेरिया में आगे जाकर बताऊंगा आपको, यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे हमें और एक बेनिफिट मिल गया था कि पहले तो कुछ दिनों के लिए सैलरीज रेंज में ट्रेड कर रहा था और उसको ब्रेकआउट मिला, राइट। ब्रेकआउट मिला तो ये स्टॉक हमारे रडार पे आया स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। अभी स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें कहाँ पे भी उसमें एंट्री और कहाँ पे भी एग्जिट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर वे से हमें एंट्री का मौका ढूंढना चाहिए। जब भी हमारे हिसाब से एंट्री आती है तो वहां पे राइट लेवल पे एंट्री करके सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट आने के बाद प्रॉफिट बुक करके हमें बाहर आना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा कम से कम 1:2 का रहेगा तो भी अच्छा है, अगर उससे भी ज्यादा मिलता है तो डेफिनेटली और भी अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे एक टेक्निकल इंडिकेटर भी ड्रॉ किया जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 26 का। दोस्तों शॉर्ट टर्म के चार्ट पे और स्विंग ट्रेडिंग करते समय ईएमए 26 बहुत ही अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट वर्कआउट होता है। अगर कोई भी स्टॉक अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा होगा और अपट्रेंड में ट्रेड करते करते जब भी उसमें अपट्रेंड में ट्रेड होगा तो वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा। हायर बॉटम बनाने के लिए जब भी स्टॉक नीचे आता है और 26 ईएमए पे हिट करने के बाद कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक हमें बनती है और रिवर्सल की इंडिकेशन देती है तो वहां पे हमें बाइंग का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ईएमए 26 लिया है। आप देख सकते हैं रीजन से बाहर जाने के बाद स्टॉक में अपर साइड में मूवमेंट आने लगी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे आ गया थोड़ा सा नीचे, यानी कि पूरा नीचे नहीं, 2-3 कैंडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे आ गया और फिर यहाँ पे 26 ईएमए पे सपोर्ट लेने लगा और फाइनली यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई। जब भी हमें 26 ईएमए पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है, यानी कि स्टॉक तो अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनेंगे, तो जब भी ये हायर बॉटम 26 ईएमए पे बनाता है इस तरह से बुलिश कैंडल बनती है तो हमें रिवर्सल का इंडिकेशन देती है, तो यहाँ पे हमें स्विंग ट्रेड करना है। अब ये रनिंग मार्केट में नहीं करना है, मार्केट क्लोज होने के बाद हमें इस तरह से स्टॉक ढूंढने हैं कि जो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और उसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है और जब भी वो हायर बॉटम बनाता है 26 ईएमए पे और कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है तो अगले दिन में हमें उसमें ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए जो भी बुलिश कैंडल रहेगी उसके हाई के ऊपर जाने के बाद हमें पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल के लो के नीचे रहेगा तो स्विंग लो जो यहाँ पे बनता है उसके नीचे रहेगा और उसके हिसाब से 1:2 का टारगेट हमें रखना है। जब भी 1:2 का टारगेट आएगा हम वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम हायर टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको पूरी क्वांटिटी बुक करनी है तो एटलीस्ट 1:2 का इंतजार कीजिए, 1:2 का टारगेट आने के बाद आप वहां पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड को और भी इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। तो इसी तरह से स्टॉक आपको ढूंढने की जो अपट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं और अपट्रेंड में ट्रेड करते करते मोमेंटम के साथ उसमें अपसाइड में मूवमेंट आ रही है। मोमेंटम आप यहां से देख सकते हैं कि कितने तेजी से स्टॉक अपसाइड में जा रहा है, राइट। तो इस तरह के मोमेंटम वाले स्टॉक अगर हम सिलेक्ट करेंगे और अगर वो 26 ईएमए पे हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते हायर बॉटम बनाएंगे 26 ईएमए पे और वहां पे कोई भी रिवर्सल का इंडिकेशन दे देंगे तो आपको दिखेगा कि मोमेंटम के साथ स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक ऊपर गया, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 ईएमए को हिट किया लेकिन वहां पे बुलिश कैंडल नहीं बनी थी, नीचे आया था। नीचे आने के बाद फिर से एक बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें 26 ईएमए को ब्रेक करती हुई दिखी, तो डेफिनेटली कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने मोमेंटम के साथ स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से मोमेंटम के साथ फास्ट स्टॉक ऊपर जाता है, रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, कम से कम टाइम में प्रॉफिट निकल कर हम उसमें से बाहर भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।